सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। फास्ट मूवमेंट कैसे करते हैं, एंड फास्ट जिगल कैसे करते हैं, एंड जॉस्टिक का साइज कितना रखना चाहिए अपने को, एंड कहाँ पे रखे तो कितना फास्ट मूवमेंट करेगा अपना, एंड कौन सा लेआउट चूज करना चाहिए आपको, सारा मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना। चलो यार, फास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट मोमेंट कैसे करें? सो यार, सबसे पहले अपने जॉस्टिक को, जॉस्टिक का साइज कर लो 50%, एंड अपने जॉस्टिक को ऊपर के साइड लेफ्ट एंड राइट करना। सिंपली लेफ्ट एंड राइट मोमेंट करके देखो कैसे लग रही है। याद रखना, आपका फिंगर स्क्रीन पे टच नहीं होना चाहिए। राइट साइड वाला फिंगर स्क्रीन पे बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। ओनली आपका लेफ्ट वाला फिंगर अपने जॉस्टिक पे रखो, एंड सिंपली आपको ऊपर की साइड लेफ्ट एंड राइट करना है, एंड देखो आपकी मोमेंट कैसे लग रही है आपको। सो ओके, अभी मैं अपने जॉस्टिक का साइज 80 कर लेता हूँ, एंड मूवमेंट करके देखता हूँ कि कैसी मेरी मूवमेंट हो रही है। ओके याद रखना, आपका मूवमेंट करते वक्त आपका राइट वाला फिंगर स्क्रीन पे टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी टच होगा तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। ओनली आपका फिंगर, लेफ्ट वाला फिंगर जॉस्टिक पे रखो, एंड ऊपर की साइड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करना है। मैं पर्सनली भी 80% यूज़ करता हूँ जॉस्टिक का साइज, एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करनी है आपको सिंपली, ठीक है। ओके सो अभी मैं अपना जॉस्टिक का साइज कर लेता हूँ 150। अभी मूवमेंट करके देखते हैं कि फास्ट मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है अपनी, ठीक है। सिंपली आपको ऊपर की साइड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करके देखनी है कि आपकी मूवमेंट कैसी हो रही है। आपको पता चल जाएगा, थोड़ी मूवमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जॉस्टिक का साइज प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। याद रखना, आपका राइट वाला फिंगर स्क्रीन पे टच नहीं होना चाहिए। सो आपको पता लगी गया होगी अभी कैसी कर रही मूवमेंट। सो आप देखना अभी आपके ऊपर है कितना रखना है आपका जॉस्टिक का साइज। ओके जॉस्टिक का साइज कितना रखे यार? सब लोग मेरे को पूछते रहते कि भाई अपना जॉस्टिक का साइज बताओ कितना रखते हो आप। सर देखो, सबसे पहले आपकी फिंगर को देखो, अपनी फिंगर बड़ी है तो 80 से ऊपर रखो अपना जॉस्टिक का साइज, ठीक है। एंड आपकी फिंगर बहुत छोटी है तो अपना जॉस्टिक का साइज रखना 80%, आपकी फास्ट मूवमेंट होगी। एंड देखो, प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आँख बंद करो। आँख बंद करके अपनी फिंगर जस्ट अपने स्क्रीन पर टच करो, एंड आपका जॉस्टिक का प्लेसमेंट वही रहेगा, एंड वहीं पे अपना प्रॉपर जॉस्टिक लेके जाके वहीं पे रख देना। आपका जॉस्टिक का साइज भी मिल गया आपको, एंड अपने जॉस्टिक का प्लेसमेंट भी मिल गया। सो लेट्स गो। ओके सो यार देखो, अभी आपका जॉस्टिक का साइज भी पता लग गया आपको, एंड आपका जॉस्टिक का प्लेसमेंट भी पता लग गया आपको, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, अभी मेन पार्ट तो अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो मूवमेंट का राज ये है कि देखो, आपका स्प्लिट बटन रहता है, जो जॉस्टिक का स्प्लिट बटन रहता है, सो उसको सेट नहीं किया आपने। सो इसके लिए आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। उसको कैसे सेट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ओके सो यार, सबसे पहले अपना जॉस्टिक का जो स्प्लिट बटन रहता है उसको मैं पूरा नीचे करके देखता हूँ मेरी मूवमेंट फास्ट हो रही है नहीं हो रही है। अभी मूवमेंट भी सेम है, बट यार देखो मेरा कैरेक्टर जो है ना लॉक हो जा रहा है, मतलब बीच बीच में रुक जा रहा है, अटक रहा है कैरेक्टर, क्योंकि मैंने स्प्लिट बटन को पूरा नीचे की साइड कर रखा था, ठीक है। सो अभी ऊपर की साइड करके देखते हैं मेरी मूवमेंट कैसी हो रही है। अभी देखना मेरी मूवमेंट भी प्रॉपर हो रही है, एंड मेरा कैरेक्टर कहीं पर लॉक भी नहीं हो रहा है, मेरा कैरेक्टर एकदम प्रॉपर चल रहा है। सो आपको एक गलती कर रहे हो आप, लेकिन आपका देखो ये जो स्प्लिट बटन है ऊपर की साइड कर रखा है, पूरा ऊपर की साइड, ठीक है। इसको ऊपर नहीं करना है, ऊपर करोगे तो आप जब भी आगे जाना चाहते हो स्प्लिट करके नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर करना पड़ेगा फिंगर आपको पूरा। सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अभी देखते हैं अभी प्रॉपर मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। सो देखो, अभी मैंने थोड़ा नीचे कर लिया है, जो कि नहीं मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो अभी देखते हैं मूवमेंट करके कैसी हो रही है मेरी मूवमेंट, ठीक है। अभी देखना मेरी मूवमेंट भी फास्ट हो रही है, एंड मेरा कैरेक्टर कहीं पे अटक भी नहीं रहा है। सो ये सब देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अपना स्प्लिट बटन कैसे सेट करते हैं अपनी मूवमेंट फास्ट करने के लिए। जिगल कैसे करें? जिगल में यार तीन टाइप के जिगल आते हैं, क्लोज रेंज जिगल, मिड रेंज जिगल एंड लॉन्ग रेंज जिगल। ये तीनों जिगल मैं करके दिखाऊंगा विद एनिमी पीओवी के साथ। सो इससे पहले यार आपको एक छोटा सा माउंटेज दिखा दो, इस माउंटेज को देखो। क्लोज रेंज जिगल करने के लिए अपने जॉस्टिक का सिंपली लेफ्ट राइट करो, ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत करना मेरे जॉस्टिक को, देखो ओनली लेफ्ट राइट करना है आपको। ये होता है क्लोज रेंज फास्ट जिगल, आपको नॉर्मल से लग रहा होगा बट एनिमी के पीओ में देखना कैसा लगेगा।
सो मिड रेंज जिगल करने के लिए आपको यार अपने जोशी को सिंपली लेफ्ट राइट करना है, एंड आपका एम होना चाहिए सिर्फ हेड पे, आपको नॉर्मल से लग रहा है बट एनिमी का व्यू देखना। सो लॉन्ग रेंज जिगल करने के लिए आपको सिंपली आपको जोशी को लेफ्ट राइट करना है। याद रखना अपना एम बिल्कुल भी चुकना नहीं चाहिए, एम हेड पे रहना चाहिए, एंड एनिमी के पीवी में देखो कैसा लगेगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि अपनी मूवमेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड जोशी को कैसे सेट करते हैं, एंड जिगल कैसे करते हैं। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक कर दो वीडियो को सबसे पहले, एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो, वेरी क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर। सो मिलते हैं किसी वीडियो में, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसे लगी,